हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आए हैं, एक गौशाला है यहाँ, गौशाला में, तो आपको दिखाते हैं कितनी गायें हैं यहाँ। इधर ये देखिए, और आज हम इन्हें खिलाते हैं गुड़, ओके, और देखते हैं ये लोग कैसे इनकी सेवा करते हैं, और थोड़ा जितना हमसे हो सकेगा हम भी इनको गुड़ वगैरह खिलाएंगे, कल इनको चारा भी खिलाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, आज लाए हम इतना सारा गुड़, गाय को खिलाएंगे, आइए खिलाते हैं। अभी डर लग रहा है वैसे, मुझे पता चल रहा है कि मेरे पीछे सारी गायें आ गई, लेकिन आज देखते हैं खिला के। ये देखो सारी गायें के फेस हमारी तरफ हो चुके हैं। इधर से एक आ भी गई है हमारे पास, अभी मैं खिलाना शुरू करती हूँ। इधर गाय का घास कट रहा है, गन्ने का आटा खिला रहे हैं लोगों को। गाय को गुड़ खिलाना था, अगर मैं खिलाऊं ये मुझे मारेंगे तो नहीं, नहीं खिला दूं। इसको फोड़ के तोड़ना पड़ेगा ना इसे। ये तोड़ना पड़ेगा, मैं लेने के लिए आऊं। अरे मां ले जा, बिस्तर है ना, कुछ है तोड़ने का उधर। सारा तोड़ के इतना इतना दे दूं। हां दे दो। हाँ इनको तोड़ना पड़ेगा, चलो अभी तोड़ते हैं। उसमें वो भी है, ना, ना मारा तो है। चलो तोड़ के लेके चलते हैं। यही तोड़ लूँ तो बस, या साथ के साथ तोड़ लूँ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, साथ के साथ तोड़ दूंगी। दोस्तों अब हम ये गुड़ पहले थोड़ा छोटा छोटा करते हैं, उसके बाद गाय को खिलाएंगे। हाँ जी, वैसे तो ये हाथ से ही टूट रहा है, ईंट की जरूरत है नहीं, थोड़ा सा आप हेल्प करा दो मेरी। हाथ में क्या हो जा? हाँ हैं? क्या हो जाओ हाथ में? मैं कह रही हाथ से टूट रहा है। हाँ, हाँ। थोड़ा सा आप तोड़वा दो, ईंट की जरूरत नहीं है मुझे। चलो नरम हो रहा ना गुड़ बारिश की वजह से। उस पन्नी में ये है ना, मैं डाल दूँ वो पन्नी, उसमें तो डालना था गुड़, उठा दो उसको, मैं डाल दूँ तब तक। कुछ वो नहीं है, टोकरी नहीं है जिसमें डाल के ले जाऊँ, फिर टोकरी से फटाफट खिलाया जाएगा। टोकरा तो नहीं है, नहीं है, गाय तो कह रहे हो यही आ जाएगी। ये अच्छा है बुलाने का। ये ले ले, ले आ जा, आपके बुलाने से ही आएगी, बुलाओ ने। चल पन्नी में डाल के ले रही मैं, हम उधर ही दे देंगे, बस ज्यादा छोटे भी मत करो खिलाने में, फिर हाथ में मुझे भी डर लगेगा। ना ना तू डर नहीं लगता। ओ ओ ओ ओ देती दो, ले 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 ले, ए चली दे देती दो ना। ओ ओ ओ ओ ओ ये सारी खा जाती। ओ ओ करती है। आप क्या 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 खिलाते रहते हो ना, आप भी खिलाते हो कुछ? आप तो गन्ने काट रहे इनके लिए। हाँ गन्ने तो बहुत महंगे पड़ते होंगे आपको, कोई छोड़ जाता होगा तो। हाँ 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 कोई ले जाता होगा। आओ 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 आओ
बस और आप लोग खिला देना, आप अपने हाथ से आप खिला देना इनको और खिला दो। ये तो इसमें ही लग गए। ये तो देखना, आप कह रहे थे वहाँ खिला दे, वहाँ खिलाने में तो ये परेशान कर देती। एक एक ज्यादा खिलाते। ये गुड़ मैं इसलिए खिला रही हूँ गाय को, सर्दी का मौसम है, गुड़ थोड़ा गर्म होता है तो इनके लिए फायदे का भी है ये। तो अगर आपके आसपास आपको कहीं गाय दिखे सर्दी में, गुड़ खिलाइए तो फिर ये ठंड से बच जाएंगे। अच्छा किसी ने दे के भेजा होगा ना उसे। अच्छा अगली बार घास वगैरह देखेंगे, अभी तो मैंने इस वजह से लाई थी, ठंड हो रही है। ठीक है, वहाँ भी फिर ऐसा आएगी, ऐसे खिलाने में तो डर लगेगा। तो ये आप खिला लेना बाद में, मैंने खिला दिया है ना, आप दे देना इन्हें घास में मिला के। वो देखना कुछ ने तो मुंह में से निकाल दिया, ले इनके लिए ज्यादा हो गया गुड़। चल मैंने कैसे गाय को हाथों से गुड़ खिलाया है, मुझे बहुत मजा आया इनको खिला के। अब मैं जरा हैंड वॉश कर लेती हूँ अपने, और कल इनके लिए कुछ और लेके आएंगे। ये देखो दोस्तों, इसमें ये गाय पानी पीती हैं, पूरा बना रखा है, एक इस साइड है एक उस साइड है उधर। कभी आपको आपके आसपास कहीं गाय मिले तो उसको गुड़ जरूर खिलाना सर्दी में, वो सर्दी से बची रहेंगी और खिलाने में मज़ा भी आता है, मुझे तो आता है, मुझे बहुत अच्छा लगा गाय को गुड़ खिला के। वो अभी भी खा रही है, मैंने वहाँ छोड़ दिया था, मेरे से खिलाया नहीं जा रहा था, मेरे मुझे डर भी लग रहा था सच कहूँ तो। दोस्तों मेरी कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर।